किसी भी गाना का अगर सरगम हारमोनियम पे निकालना है तो उसका बेसिक चीज़ क्या है, अगर बेसिक समझ लेंगे तो उसी आधार पे प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत आसान हो जाता है किसी भी गाना का सरगम निकालना हारमोनियम पे। म्यूज़िक से जुड़ी हर बात जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल और बेल आइकन दबाएं हमारी हर वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। विजिट करें हमारा वेबसाइट, यहाँ आपके सभी सवालों के जवाब मौजूद हैं। तो सबसे पहली जो चीज़ है, सबसे पहले कि आपको हारमोनियम तो बजाने आना चाहिए, आपने कुछ महीने सीखा हो क्लासिकल ताकि आपका कान पक्का हो गया हो, सुन के आप जज कर सकें, ये चीज़ें होनी चाहिए। अगर आप बहुत बिगनर हैं तब बहुत मुश्किल है गाना निकालना। गाना निकालने के लिए सबसे पहले ज़रूरी होता है कि गाने को सुनिए, सुन के उसका सा पता कीजिए कि सा कहाँ है। अगर आपको उसका सा का पता चल गया तो आप कहीं से भी फिर गाना बजा सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि गाना जिस नोट्स पे, जिस स्वर पे निकला हो वहीं से बजाना हो, ये ज़रूरी नहीं, आप कहीं से भी बजा सकते हैं। लेकिन सबसे पहले गाना का ओरिजिनल स्केल, ओरिजिनल सा पता करना बहुत ज़रूरी है। गाना सुनना है, सबसे पहले सा पता करना है, उसके बाद एक एक लाइन ध्यान से सुन के उसका स्वर निकालना है। हम लोग पहले जो करते थे बचपन में, जैसे मान लीजिए दिल के अरमां आंसुओं में बह गए, कैसे होता था, बजाते ही निकल जाता है। ऐसा होता है, ये कैसे निकलता था, नहीं निकला। दिल के कैसे निकल गया, हम ये बजाए तो नहीं निकला क्योंकि शुद्ध गा था। वो अपना कान सही रखना पड़ता है, अगर कान सही हो ना तो आप ठीक सुन के आपको पता चल जाएगा। अब देखिए, अब बजाने के पहले की क्या क्या चीज़ें हैं, मुझे हारमोनियम बजाने आना चाहिए, उंगलियां ठीक से चलना चाहिए, कुछ सीखा हुआ हो इंसान, तब आप जज कर पाएंगे, तब आप सुन पाएंगे। जब आप सही तरीके से सीखना शुरू करते हैं ना तो हर चीज़ आपको पता चलने लगता है। हर गाना को मैं जो बता रहा हूँ, मैं आपको कितना गाना का नोटेशन निकाल के बता पाऊँगा आप ही सोचिए। अगर आप ये सोच रहे होंगे कि मैं आपको अभी इस वीडियो में हर गाने का नोटेशन निकाल के बताऊँगा, तो ये सोचने वाली बात है कि कितने गाने का मैं निकाल पाऊँगा, 10 गाना 20 गाना, कितने घंटे का वीडियो बनाऊँगा, 5 घंटे का, 10 घंटे का भी वीडियो बनाऊँ फिर भी इनफ नहीं है, फिर भी कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा। जो बेसिक है वो समझ अगर लेंगे, रास्ता अगर समझ लेंगे, तो दुनिया का हर गाना निकाल सकते हैं, चाहे वो भारी से भारी गाना हो, हल्का से हल्का गाना हो। सुरत पिया के नचन बिस्तरा आ, सुरत पिया के नचन बिस्तरा। दिल की तपिश आज है आफताब, ऐसे है, कुछ भी निकल सकता है। जन गण मन अधिनायक जय है। स्वर देखिए, गाना का स्वर अगर दिमाग में हो तुरंत अपने आप नोट लगने लगते हैं कि कैसे होगा। अधिनायक जय है, ये तो मैंने नहीं गाया। जय है भारत भाग्य विधाता, थोड़ा यमन का छाप है इसमें, मिस्र यमन है, यमन भी है, शुद्ध सब मिल के बना है गाना, यमन कल्याण बोल सकते हैं। थोड़ा बहुत जानकारी रहने जरूरी है ताकि, तो जो एकदम बिगनर है उनके लिए मैं यही कहूँगा कि थोड़ा पेशेंस रख के, धीरज रख के कुछ सीख लीजिए, थोड़ा क्लासिकल सीख लीजिए कुछ महीने, तो आपको खुद ही रास्ता पता चल जाएगा। गाने का सा पकड़ना है, कैसे पता चलेगा, गाने का नोटेशन पता चलेगा, कुछ राग अगर आप सीख लेंगे ना तो गाना बज रहा है उसका स्वर ढूंढने में बहुत आसानी हो जाती है।
तुरंत पता चल जाता है। बहुत सारे गाने ऐसे हैं जो राग बेस्ड होते हैं, जिनको ढूंढना बहुत आसान हो जाता है फिर। तो इस तरीके से आप कुछ सीख के फिर आप आराम से निकाल सकते हैं किसी भी गाने को। यही एक तरीका है, लॉजिक जो काम करता है गाने निकालने के पीछे वो यही है, इसके पीछे और कुछ नहीं है। सही तरीके से सीखिए, पहले गाने को सुनिए, उसका सा पता कीजिए, एक एक वर्ड सुनिए कहाँ पे गाया गया है, सा पता चल जाएगा, कौन कौन सा स्वर लगा है उसमें। थोड़ा गाना सुन के हारमोनियम दबा दबा के देख लीजिए कौन कौन सा स्वर लगा है उसमें। उसके बाद गाना का एक एक लाइन 10 बार 20 बार करके सुनिए, उसको देखिए वो कहाँ से बज रहा है, क्या क्या स्वर लगा। वैसे एक एक लाइन को ध्यान से सुन के करते 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 तब जाके होता है। पहला बार जब आप गाना निकालने बैठेगा तो 2 दिन 3 दिन लग जाएंगे निकालने में, सप्ताह भर लग जाएंगे। धीरे धीरे बहुत सीखने के बाद भी, आपने सालों सीखा है उसके बाद भी, फिर करते 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 अपने आप ही होने लगता है। बस यही इसके पीछे का लॉजिक है और कोई शॉर्टकट नहीं है। आपको मेरी बातें कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर किसी गाने का नोटेशन जानना हो, सीखना हो, वो भी कमेंट कीजिए। अगर आपको मुझे कुछ सुझाव देना है वो भी मुझे बताइए, मैं हमेशा आपके साथ। और मैं कहूँगा कि डिस्क्रिप्शन फॉलो कीजिए, डिस्क्रिप्शन में बहुत सिस्टमेटिक ढंग से प्लेलिस्ट बनाया गया है, उसे देखिए। और अगर कोई बात हो तो कमेंट कीजिए, अपनी पर्सनल चीज़ों को कुछ मुझसे अगर कहनी हो, अपनी बात अगर कुछ कहनी हो तो आप फेसबुक पेज पर मैसेज कीजिए, मैं हमेशा आपके साथ हूँ। धन्यवाद। अगर आप मुझसे पर्सनली गाना सीखना चाहते हैं तो आप हमारा ऑनलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। ये क्लास 2 तरह से होता है, एक वीडियो कॉलिंग के जरिए फेस टू फेस सामने बैठकर, और दूसरा व्हाट्सएप ऑडियो के जरिए।